गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं वेलकम बैक बोल सकती हूँ ऑफिशियली, क्योंकि ये मेरी सेकंड वीडियो है चैनल की। आप लोग सोच रहे हो कि वीडियो यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, तो ये ना वन डे बिफोर का टेक है, यानी 1 दिसंबर का है, जिस दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। पूरा डिटेल्ड व्लॉग आप आशिमा के चैनल पर देख लेना, बट मैंने कुछ क्लिप्स अपने व्लॉग में भी ऐड कर दिया है। ब्लू लाइट्स हमने छत पर लगवा ली थी, बट ब्लू नहीं लगनी थी, गोल्डन लगनी थी। आज वो चेंज हो चुकी है, वो भी आपको हम दिखा देंगे। और ये देखिए इनकी क्यूट फाइट, यहाँ से स्टार्ट होता है व्लॉग। अरे ये मेरे घर वाले बहनों को भेज दे। ये याद करा देख लो, ये नहीं पिताजी को बचाओ। बोल रहे हो क्या? सो गाइज, अभी आज हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, ये लड़की बताएगी। तो चलिए चलते हैं, और मेरा ब्लॉग रहेगा शॉर्ट एंड सिंपल। चलिए गाइज, तो पहले ये दीदी करा रही है अपना, फिर हम देखेंगे, हम तभी कराएंगे, है ना। तो मैं इस लड़की के साथ जा रही हूँ, चीज़ें लेने वाली। एक काम करते हैं, हम जाते हैं, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ ना, जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे खुद ही नहीं पता कि जाना क्या है और आज होगा क्या, इसलिए वो कैंसिल करके फिलहाल मैं सम्राट के साथ जा रही हूँ नेल्स करवाने। कम से कम एक काम तो निपटे, क्योंकि जब तक आशिमा वो करवाएगी तब तक हम नेल्स करा लेंगे। तो गाइस, कहीं जाने से पहले हमने सोचा पेट पूजा कर ली जाए, इसलिए चाप और रुमाली। तो मैं पहुँच गई हूँ अब हेयर ऑफिस। हाँ जी, यहीं पर होने वाले मेरे नेल्स चेंज। तो गाइज, ये है मेरे ओल्ड नेल्स। ओल्ड यानी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही प्री वेडिंग के लिए कराया था। नेल एक्सटेंशन हो चुका है स्टार्ट, तो थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे पहले वाले नेल्स को इस मशीन के ज़रिए हटाया, एंड यार बड़ी इन्होंने मशीन्स वगैरह लगाई, अलग अलग पॉइंट्स लगाए थे, पहले पतला पॉइंट फिर मोटा, पीछे देख सकते हो पूरी किट रखी हुई है। एंड आवाज़ बड़ी सेटिस्फाइंग थी, ऑर्डरली सेटिस्फाइंग नहीं बोलते जिसको, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा था कराते हुए भी। आप भी सुनो। तो वन बाय वन सारी फिंगर्स को इन्होंने बफ़ किया, बफ़ ही कहते हैं शायद इसको, हाँ जी, इन्होंने सारी फिंगर्स को बफ़ किया, उसके बाद नेल्स को कट किया, और जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल होते हैं वो भी हटाए। बहुत ही सफाई से काम कर रहे थे ये, तो मैं टाइम लैप्स पे कर रही थी, बट जो इनका वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब कहते नहीं एकदम डेडिकेशन से करना, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद हैंड्स इन्होंने मेरे क्लीन कर दिए थे, एंड ये नेल कटर था उससे पूरा अच्छा। ये है वो लॉन्ग नेल एक्सटेंशन जो इन्होंने लगाई थी, और इतने लंबे नेल्स कोई लगवाता होगा? आई थिंक लगवाते तो होंगे काफ़ी लोग ही, बट मैंने इतने लंबे नहीं करे थे, मैंने इनको ट्रिम करा लिया था। और ये वाले कैसे लग रहे हैं बताना मुझे, फ्रेंच नेल्स टाइप का लग रहा है ना, लेकिन ये है रियल नेल आर्ट वर्क जो इनको फ़ोन में मैंने फ़ोटो सेंड कर दी थी जो मुझे चाहिए था। तो वर्क हो चुका था स्टार्ट, स्टोन वर्क जो होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। मैं तो सैल्यूट करूँगी भैया को, इतना पेशेंसली उन्होंने मतलब किया, धीरे धीरे लगा के एकदम एक एक स्टोन का, लेकिन जो आउटकम आया था ना वो बहुत ही प्यारा था। अभी मैं वीडियो के लास्ट में ही दिखाऊँगी आपको, मुझे पता है आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे, लेकिन प्लीज़ स्किप मत करना, मतलब देख लेना आराम से। तो गाइस, मेरे फैंस फाइनली आ गए हैं मेरे पास, और अभी नेल्स ऑन द वे है, मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को, वीडियो के लास्ट में ही देखेंगे, ठीक है? तो वेट करिए। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज़ और बताना, सलोन में आके कौन कौन रेड हो जाता है, मतलब जैसे गर्मी से रेड। और एक चीज़ और, आशिमा ने अभी कुछ कराया, प्लीज़ मुझे बताओ उसका फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 दिन बाद दिख रहा है। ओके, तो गाइज, आपके सबर का जो फल है बस आपको मिलने वाला है कुछ ही सेकंड के अंदर। 3, 2, 1, टन टन। हाँ जी, तो आपके सबर का फल आपको मिल चुका है। तो यही है मेरे नेल एक्सटेंशंस जो कि मैंने करा लिया है ऑलरेडी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, वीडियो से ज़्यादा एकदम रियल में जो इनका लुक है वो बहुत ही मस्त था। एंड गाइज, अगर आप लोगों को भी करवाने हो तो मैं इनकी ID मैंशन कर देती हूँ, आप लोग भी जाके अपना जो नेल्स है करा सकते। यही से मैंने कराया था, ये द हेयर ऑफिस जो कि है जनकपुरी के अंदर, आप लोग विजिट करके जा सकते हैं। हो चुके हैं डन, एंड अब बस यूवी मुझे लेने आ रहा है। तो गाइस, मुझे लेने आ चुके हैं कुछ बच्चे, बहन का शादी होने वाली है, फिर भाई कभी घूम ना पाए कार में, निकाल लो। अच्छा, और ये जो ऐसे बंद हो रही है मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए गाइस, अब हम घर जा रहे हैं, बाय। तो बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे नेल? अच्छे लग रहे हैं, देखो तो। ब्यूटीफुल, सुंदर, अच्छे हैं।
पास हो गए। गुड्डू का रिएक्शन लेना था बट गुड्डू भाग गया। सो गाइज फाइनली मम्मी को पसंद आ गया, यानी डन है नेल्स, सबको पसंद आ गए क्योंकि हमारे घर में मम्मी को जो चीज पसंद आ जाती है ना बस। एंड थैंक यू सो मच। देखो वीडियो यहीं से स्टार्ट की थी, यहीं एंड कर रही हूँ। बाकी जो भी अपडेट होंगे पूरी कोशिश करूंगी देने की, लेकिन आपको पता है कि कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है। और उसके अलावा वीडियो एडिट करके डालना असली टास्क वो होता है, वीडियो बनाना टास्क नहीं होता, वीडियो एडिट करके पोस्ट करना टास्क होता है। बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।